नमस्कार, स्टार स्टेल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आचार्य वेद प्रकाश। दर्शकों, किसी भी काम को करने के लिए उस पर विश्वास बनाए रखना बहुत ज़रूरी है और जब हम विश्वास करने लग जाते हैं तो हमारे काम अपने आप बनने लग जाते हैं। यदि आप ज्योतिष में विश्वास रखते हैं तो आप अपनी किसी भी समस्या के लिए हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे ज्योतिष एक्सपर्ट आपकी हर समस्या का सरल और सटीक समाधान देने का प्रयास करेंगे। आप हमें किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8588009900। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट www.starstell.com पर विजिट कर सकते हैं और अपना प्रश्न हमें पूछ सकते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि आपकी हर समस्या का सरल और सटीक समाधान हम आपको दें। दर्शकों, बात करते हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की। और जब भी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात होती है तो लोग हमसे प्रश्न पूछते हैं कि क्या एक ज्योतिषी एक डॉक्टर की भूमिका निभा सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि एक ज्योतिषी डॉक्टर की भूमिका कभी नहीं निभा सकता, बल्कि एक अच्छा ज्योतिषी आपकी जन्म कुंडली का भली भांति अवलोकन करके आपको आगाह कर सकता है कि आपको भविष्य में किस तरह की परेशानियाँ हो सकती हैं या फिर किस तरह की बीमारियों के होने की संभावना रह सकती है, ताकि आप समय पर उन परेशानी से बचने के लिए जो भी ज़रूरी उपाय हैं वो कर सकें। आज हम बात करेंगे सूर्य ग्रह के बारे में कि सूर्य ग्रह के जन्म कुंडली में कमज़ोर होने या पीड़ित होने से किस तरह की परेशानियां हो सकती हैं। जिन जातकों की जन्म कुंडली में सूर्य कमज़ोर होता है या फिर पीड़ित होता है, उन जातकों को लगातार बुखार रहने की संभावना हो सकती है, हृदय संबंधी रोग हो सकते हैं, नेत्र पीड़ा हो सकती है, सिर दर्द यानी कि उन लोगों को लगातार सिर दर्द बना रहता है, अस्थियां कमज़ोर हो जाती हैं यानी हड्डियों में तकलीफ़ रहती है, पित्त दोष, पेट घाव, जलने का घाव यानी कि कोई घाव अगर हो जाए तो बहुत दिनों तक ठीक नहीं हो पाता, बार बार गिरना और रक्त प्रवाह में बाधा, इस तरह की परेशानियां हो सकती हैं। यदि आपको या परिवार में किसी भी सदस्य को इस तरह की परेशानियां हैं तो हो सकता है कि उस व्यक्ति का या उस जातक का जन्म कुंडली में सूर्य कमज़ोर हो या फिर पीड़ित हो। इसके अलावा अन्य योग भी हो सकते हैं जिनकी वजह से ये परेशानियां संभव हैं। अब हम बात करते हैं कि इन परेशानी से बचने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए। घर की पूर्व दिशा को दूषित न होने दें, क्योंकि सूर्य पूर्व दिशा से उदित होता है, अतः पूर्व की दिशा में कूड़ा कचरा ना फैलाएं। पिता का सम्मान करें, सुबह समय से उठें यानी कि सूर्य उदय से पहले उठने की आदत डालें। इसके अलावा सूर्य उदय के समय भगवान सूर्य को अर्घ जरूर दें। रविवार का व्रत रख सकते हैं और साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। दर्शकों, हम एक नए एपिसोड में बात करेंगे चंद्रमा की, यानी कि चंद्रमा कमज़ोर होने पर या फिर पीड़ित होने पर जातक को किस तरह की परेशानियां हो सकती हैं और इनका घरेलू समाधान क्या है। हम जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।